फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी किचन। मैं आज बनाऊंगी अंडा लबाबदार की एक यूनिक रेसिपी, जो कि वन पॉट डिश है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट से बन जाती है। अंडा लबाबदार की रेसिपी के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है ये देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हरा धनिया, कसूरी मेथी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, जीरा, तेज़पत्ता, अंडा, लहसुन, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, काजू, प्याज और नमक। सबसे पहले हम मसाले ग्राइंड कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर मिक्सर जार लिया है, उसमें अदरक, लहसुन, काजू, प्याज, टमाटर डाल करके उसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे एकदम स्मूथ पेस्ट रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई को रख दिया है और इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता। जीरा डालने के बाद उसे अच्छी तरह से चटकने देना है। जब इस तरह से जीरा अच्छी तरह से क्रैकल हो जाए तो उसमें एकदम बारीक कटा हुआ हमें प्याज ऐड करना है और उसे हल्का गोल्डन फ्राई कर लेना, बहुत ज़्यादा डार्क ना करें। जब तक प्याज गोल्डन हो रहे हैं, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर प्याज हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं, लाइट कलर सा आ चुका है, तो इसे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। यहाँ पर तुरंत ऐड कर देंगे पिसा हुआ पेस्ट और तुरंत इसे मिक्स कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सारे सूखे मसाले, धनिया, जीरा, मिर्ची, कश्मीरी रेड चिली, हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर देना है। सभी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए ढक करके स्लो फ्लेम पर रहने देते हैं। 2 मिनट के बाद इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च इसमें डालने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ सा जाता है, तो ये ज़रूर ऐड करें। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे हमें ढक करके छोड़ देना है स्लो फ्लेम पर, जब तक कि ऑयल इसके सरफेस पर दिखने ना लगे। और बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि जले नहीं मसाले हमारे। यहाँ पर मसाले के ऊपर तेल अच्छी तरह से दिखने लगे हैं, तो इसका मतलब है मसाले हमारे भुन चुके हैं। तो इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी डालने के बाद इसमें हमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डालना है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, इट्स टोटली अप टू यू। सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दें और ढक करके एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाए तो इसे हमें ढक करके 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक कर लेना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं तो इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला। कसूरी मेथी डालने के बाद हमें इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और गैस को स्लो ही रखना है। फिर हमें एक एक करके अंडे को कटोरी में इस तरह से फोड़ करके तब ग्रेवी में बीच में धीरे से डालना है,
कटोरी में ही फोड़ करके अंडे को डालें। कभी कभी अंडा ख़राब आता है तो हमारी ग्रेवी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए इस तरीके से डालें। और इसके ऊपर हमें हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर देना है, कटा हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च डाल देना है ताकि अंडे में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए, वो फीका ना लगे। अंडे के ऊपर सभी चीज़ें डालने के बाद इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इसे स्लो फ्लेम पर ढक करके हमें 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि अंडे भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अब हमारी ग्रेवी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अंडे भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, तो हमारी शानदार सी अंडे की एक यूनिक रेसिपी रेडी है। इसे आप रोटी, चपाती, चावल किसी के भी साथ खाइए, ये बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको आज मेरी अंडा लबाबदार की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।